दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम एमटास 80 टैबलेट के बारे में। ठीक है दोस्तों, यह किसके लिए होता है, कैसे प्रयोग करते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट है, सब कुछ बताएंगे। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको यह जानकारी नहीं मिल पाएगी पूरी तरह से। ठीक है दोस्त, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए एमटास 80 टैबलेट है, इसमें साल्ट क्या मिला है, एमलोडिपिन एट्रिनलाल इसका साल्ट है। ठीक है दोस्त, यह एमटास कंपनी की दवा है और यह हाई ब्लड प्रेशर के लिए काम करता है। हाई ब्लड प्रेशर क्या है, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप एक सामान्य बीमारी है जिसमें आपकी धमनियों का रक्त दाब समय के साथ धीरे धीरे बढ़कर अधिक हो जाता है। इसकी वजह से स्वास्थ्य समस्याएं होने लगती हैं, जैसे कि हृदय रोग, ब्लड प्रेशर या रक्तचाप दो चीज़ों पर निर्धारित होता है। हृदय द्वारा पंप किए गए ब्लड की मात्रा और धमनियों में रक्त प्रवाह के खिलाफ प्रतिरोध, इसलिए आपका हृदय जितना ज़्यादा पंप करता है आपको आर्टरीज उतनी पतली होती जाती है, आपका ब्लड प्रेशर उतना ही अधिक बढ़ता जाता है। ठीक है दोस्त, यह एंजाइना के लिए काम करता है। एंजाइना क्या है, एंजाइना के बारे में बताना चाहेंगे आपको। हृदय की मांसपेशियों में कम रक्त प्रवाह के कारण होने वाले छाती में दर्द के लिए एंजाइमा शब्द का प्रयोग किया जाता है। एंजाइमा को आमतौर पर आपकी छाती में दबाव, भारीपन, जकड़न या दर्द के रूप में वर्णित किया जाता है। एंजाइना एक आवर्ती समस्या है या अचानक होने वाली दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है दोस्त, अब आपको हम बताएंगे कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह खाना खाने के बाद एक गोली प्रतिदिन लेना चाहिए डॉक्टर के अनुसार। डॉक्टर से सलाह लेके ही इस दवा का प्रयोग करिए। ठीक है दोस्त, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर वाली बात है तो मैं चाहूँगा कि आप उनसे सलाह लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा, सलाह लेके ही दवा लें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर आपको यह सब बीमारी हुई हो तो इस दवा को मत लीजिएगा। जैसे लो ब्लड प्रेशर, लीवर रोग, गुर्दे की बीमारी, अगर ये सब आपको प्रॉब्लम पहले से ऑलरेडी है तो इस दवा को मत लीजिएगा, डॉक्टर से सलाह लेके उस दवा को लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा मैं कि यह जानकारी ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से बताई गई है। मेरे माध्यम से बताए गए किसी भी दवा का प्रयोग करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह लेके ही उस दवा का प्रयोग करिए। ठीक है दोस्त, वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट हेल्थ संबंधी जानकारी मिल सके। ठीक है दोस्त, और यह वीडियो अपने दोस्त यार मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी यह जानकारी प्रोवाइड हो सके। ठीक है मित्रों, चलिए अब आपको हम बताते हैं, अगर आपको किसी भी दवा के बारे में जानकारी चाहिए या किसी भी हेल्थ संबंधी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसके बारे में वीडियो तुरंत लेकर आऊँगा और आपको सलाह दूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बी पॉजिटिव।